तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। मैं नीतीश, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके बंसर में। तो आज हम लोग केपी टू चायबासा वाला रोड पे, और सीकेपी से जब चायबासा जाओगे ना तो राइट साइड पे, मतलब इधर वो वाटरफॉल बेसिकली है, पीछे गांव का नाम लिखा हुआ अरगुंडी करके है। यहां पे भी आए हुए हैं और बहुत कम लोगों को पता है, तो सोचे कि यहां का ब्लॉग बना लेते हैं। और फिर चलिए देखते हैं कैसा कुछ है यहां का वाटरफॉल, मिनी वाटरफॉल बोल सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट वाटरफॉल तो है। तो बड़ा है, कितना बड़ा है क्या है देखते हैं। यहाँ पे पीछे हम लोग बाइक यहाँ पीछे पर रख देंगे, क्योंकि बाइक जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, चले चलते हैं। आप लोगों को कहाँ से जाना है, कैसे कुछ जाना है, तो इसके बारे में आगे आप लोगों को बताते हैं। तो ये अरगुंडी गाँव है और ये चायबासा जाने वाला रोड, इधर चायबासा और इधर है सीकेपी जाने वाला रोड। तो यहाँ से अपने को जाना है पैदल, और वाटरफॉल है जस्ट वहाँ पे। तो यहाँ से चलते हैं पैदल, और यहाँ पे कुछ कुछ घर है, इधर खपरा वाला घर है, और इधर ही से अपने को जाना है रोड। और ये सामने खेत है जस्ट नीचे, और इधर यहाँ पे कीड़े मकोड़े ना निकले, क्योंकि झाड़ी जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, शायद इधर बहुत कम लोग ही आते जाते हैं, तो इधर रास्ता वैसा कुछ है नहीं। अपन इधर आए हैं खोजने, तो अब जिस काम के लिए आए हैं वो तो करना ही पड़ेगा। और ये सामने जंगल का स्टार्ट यहाँ से होता है। सो अभी आधा रास्ता जो है वो कवर कर चुके हैं, और यहाँ पे ना कोई लोग भी नहीं दिख रहे हैं, तो काफ़ी जंगल ही जंगल है इधर। अच्छे देख सकते हो, काफ़ी जंगल ही जंगल है, तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का। और तो चलिए फिर आगे देखते हैं क्या कुछ सीन है आगे का। यहाँ पे आधा रास्ता आके खो गए हैं, इधर देखो रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा यहाँ से, किधर को जाना है। तो आधा रास्ता पहुँच के इधर खो गए हैं। साउंड आ रहा है, मतलब फॉल तो उधर ही है बट ना रास्ता नहीं दिख रहा किधर से जाएँ, समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो चलिए आगे देखते हैं, ट्राई करते हैं रास्ता खोजने का, क्योंकि ये यहाँ पे कोई आता जाता है नहीं, बस जो गांव के लोग हैं वही लोग आते जाते हैं, तो रास्ता वास्ता ऐसा कुछ बना नहीं है, तो बस वही पैदल रास्ता। और रास्ता कुछ ऐसा है, मतलब रास्ता ही नहीं है, बस रास्ता खोज खोज के अपने को जाना पड़ रहा है। सामने देख सकते हो जंगल, इधर जंगल, चारों ओर जंगल ही जंगल। और ये हिडन वाटरफॉल है, तो ज़्यादा किसी को पता है नहीं, तो बस ऐसे ही अपने खुद से रास्ता खोज खोज के जा रहे हैं। लोकल को पूछे तो वो लोग डायरेक्शन बता दिए कि हाँ इधर इधर से जाओ, लेकिन बट जो रास्ता ऐसे मतलब होता है ना वैसे कुछ है नहीं, तो अपने से थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत कर करके जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आओ ना तो एक बार लोकल सेशन ज़रूर ले लो, या फिर कोई लोकल अगर मिल रहा है तो साथ में ज़रूर ले कर आओ उनको, तो यही बेस्ट रहेगा। सो काफ़ी ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे फाइनली वाटरफॉल के नीचे पहुँच गए, बट एक प्रॉब्लम ये हो गया ना कि अभी बारिश स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बारिश से बचने के लिए कुछ ऐसा कुछ है नहीं घर वर, तो देखते हैं चलो क्या होता है। यहाँ पे शायद इस पेड़ के नीचे में भी रुक सकते हैं, इमली पेड़ है यहाँ पे। जस्ट यहाँ आगे वाटरफॉल है, साउंड आ रहा काफ़ी पानी को रोकने के लिए, छोटा सा एकदम डैम है, तो बस ऐसे कुछ नाला है इधर। और वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता कहाँ से है तो पता नहीं, और वाटरफॉल आगे वो, ये तो डैम है। अभी आगे वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए रास्ता तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, तो अपने को इधर से होगा रास्ता लग रहा है। तो इधर का व्यू आपको दोस्तों शायद नहीं नजर आ रहा, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है। तो ऐसा है ना कि पानी जहाँ से गिर रहा है ना वहाँ पे बीच में पेड़, मतलब बहुत सारा झाड़ी उग गया है, तो पता नहीं। अब नीचे चलते हैं, वहाँ से आप लोगों को व्यू दिखाते हैं, यहाँ से तो पूरा व्यू नहीं आ पा रहा, एकदम हॉलीवुड मूवी वाला जंगल सब होता है ना, लग रहा है वहीं पे आ गए हैं।
मिनी वाटरफॉल पर पहुंच चुके हैं। और बस एक प्रॉब्लम ये है ना कि बीच में ऐसे झाड़ी उग गया है, तो जो सबसे टॉप वाला व्यू जो है ना, वो टॉप वाला व्यू आ नहीं रहा, तो इधर से पानी आ रहा है नीचे से ऐसे आके, पानी यहाँ से ऐसे नीचे की ओर जा रहा है। नीचे पे छोटा सा एक एकदम बोले तो छुटकू सा एक चेक डैम है, छोटा सा एकदम, और पानी तो फिर व्यू थोड़ा एंजॉय करो। फिसलन बहुत ही ज्यादा है गाइस, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो जितना हम लोगों से हो पाएगा तो आप लोगों को यहाँ पे चढ़ के दिखाते हैं। और डर इस बात का है ना कि यहाँ पे फिसलन जो है ना काफी ज्यादा है, फिसलन नीचे में एकदम नीचे, वहाँ पे फोटो, वहाँ पे वीडियो बना रहे थे इससे पहले का जो फुटेज आप लोग देखे, और ऐसे करके पानी यहाँ से जा रहा है, वो देखो ऊपर से। और सबसे टॉप में पहुँचने के लिए ना कुछ ऐसा रास्ता तो है नहीं, बट पत्थर पत्थर है, तो अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोग को दिखाएंगे कि रास्ता जो है ना बिल्कुल भी नहीं है। तो फाइनली का जो आधा रास्ता कवर कर चुके हैं, और थोड़ा सा है उधर, वो बोल रहा है कि बैग वहीं पे छोड़ दें क्या, तो मैंने बोला कि रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेने का, एकदम लेके आओ बैग वैग। ओ भाई साहब क्या व्यू है गाइस, जैसे यहाँ पे हमने अभी वीडियो फोटो फोटो क्लिक करा यहाँ पे, और बस यही से ऊपर से ऐसे पानी आ रहा है, इसका सोर्स तो नहीं पता, बट ऊपर से जंगलों से पानी आ रहा है, और ऐसे नीचे आके फिर इधर, और इधर से ऐसे नीचे से उधर नीचे की ओर जा रहा है। और नीचे स्टार्टिंग में जो फुटेज में हम लोगों ने शूट करा था वो बिल्कुल नीचे था, तो बस वहीं पर पानी जा रहा है, और बस ऐसा कुछ सीन है यहाँ का। तो ये अपना टूरिस्ट गाइड था, तो बस ऐसा कुछ ही नहीं, वो इधर बकरी उकरी चरा रहा है इधर। तो फाइनली अभी हम लोग ऊपर से नीचे आ गए हैं, और यहाँ पे बैठ के थोड़ा पानी वानी पी लेंगे। इतना मेहनत से आप लोगों के लिए गए, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, और लाइक करना है, और कमेंट करना है। किसी को भी लोकेशन के बारे में जानना है तो वो इंस्टाग्राम पे DM करो,
और ऐसे तो ये सीकेपी टू चाईबासा वाले रोड पे है, और कैसा लगा ये फॉल कमेंट करके ज़रूर बताओ। और आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करके गया इतना, अभी ना हम लोग एक्चुअली हम लोग गलती की है ना कि हम लोग को ना फुल टी शर्ट पहन के आना चाहिए था, तो यहाँ पे झाड़ी वाड़ी है ना, तो अभी हाथ में खुजली हो रहा हाथ में। वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए बाय बाय, जोहार, जय हिंद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।